कि बाबा तेरा सपना अधूरा अरविंद केजरीवाल करेंगे पूरा। दिल्ली में दलित भाईचारे से आने वाले हर एम्प्लॉय को, मुलाजिम को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि केजरीवाल सरकार देती है अगर वो कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते, जनता की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं। तो लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए हर कोरोना वॉरियर को, जो दलित भाईचारे से आता है, उसे 1 करोड़ रुपए की ग्रांट राशि सहायता उनके और उनके परिवार को अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देती है। जिन जिन कोरोना योद्धाओं ने लोगों की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, अपने प्राण त्याग दिए, जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा करी, हर उस शख्स के परिवार को, उस मुलाजिम के परिवार को अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देते हुए इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होते हैं। कल मैं कली का अगर आपको एग्जाम्पल दूं तो एक 1995 में सरकारी मुलाजिम बनी एक सुनीता जी, जो एक सफाई कर्मचारी थी, सफाई मुलाजिम थी, उन्होंने इस कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते अपनी जान दे दी, शहीद हो गई। उन शहीद के परिवार को, उस दलित भाईचारे से आने वाली सुनीता जी के परिवार को अरविंद केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। इस दुख की घड़ी में साथ खड़ने वाले दलित समाज से आने वाले गरीब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अरविंद केजरीवाल जी आज दलितों के सम्मान के लिए, उनकी सहायता के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और दूसरी ओर चन्नी सरकार जो कहती है कि हम दलितों की राजनीति करते हैं, हम दलित भाईचारा, हमारा वोट बैंक है, वो उनको वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं, उस नजरिए से देखते हैं, मैं उस चन्नी सरकार को कहना चाहता हूं, चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब की नकल करना तो बड़ा आसान है, उनकी बातों पे अमल करके दिखाओ, उनके कामों को पंजाब सूबे में लागू करके दिखाओ। मैं चैलेंज देता हूं चन्नी साहब को कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि हर उस गरीब आदमी के लिए, दलित भाईचारे से आने वाले हर उस शख्स के लिए अनाउंस करें जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हो गया इस कोरोना काल में लोगों की सेवा करते करते। मेरी ये चुनौती है, चैलेंज है चन्नी साहब को, जो जगह जगह घूम के कहते हैं मैं दलितों का नेता हूं, मैं गरीब हूं, दलित भाईचारा मेरा वोट बैंक है, ऐसी समाज को बांटने वाली, वोट बैंक की राजनीति करने वाले चन्नी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आपको यह हमारा चैलेंज है, अरविंद केजरीवाल जी की तरह आप भी हर गरीब आदमी के परिवार को, दलित भाईचारे से आने वाले हर उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दो, जिस परिवार ने किसी अपने को खोया इस कोरोना काल में इन लाइन ऑफ ड्यूटी। केजरीवाल सरकार केवल 1 करोड़ रुपए की राशि ही नहीं, दलित भाईचारे से आने वाले गरीब बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजती है, दलित भाईचारे से आने वाले गरीब बच्चों को यूपीएससी से लेकर आईआईटी की कोचिंग क्लासेस फ्री में करवाती है, बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट से।
दलित भाईचारे से आने वाले लोगों के लिए बढ़िया इलाज, मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की योजना चलाती है, और यहां तक कि दलित स्कॉलरशिप नाम की स्कीम, जय भीम योजना नाम की स्कीम जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लागू करी, उसके चर्चे पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। और एक तरफ चन्नी सरकार है जो दलितों को अपना वोट बैंक बांध के चलती है, लेकिन उनके लिए काम नहीं करती। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि दलित समाज को, दलित भाईचारे को काम से, उनकी भलाई करके, उनका वेलफेयर कर, उनका कल्याण कर वोट लेने की कोशिश करो। समाज को बांटकर, वोट बैंक के नजरिए से देखकर वोट लेने की कोशिश मत करना चन्नी साहब। और एक बात और, आजकल सूबे के माननीय मुख्यमंत्री चन्नी साहब ये वादा कर रहे हैं कि मैं 5-5 मरले के प्लॉट दूंगा। पूरे पंजाब में दलित भाईचारे से आने वाले उन लोगों को जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, जिनके पास इतने संसाधन रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें कह रहे हैं मैं तुम्हें 5-5 मरले का प्लॉट दूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तुम्हें 5-5 मरले के प्लॉट प्रॉमिस किए थे, उसका वादा किया था। पूरे पंजाब में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई, हर पिंड में रजिस्ट्रेशन कराई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर तमाम सरकारी मशीनरी लगकर रजिस्ट्रेशन करा रही है 5-5 मरले के प्लॉट देने के लिए। लेकिन एक भी शख्स पूरे पंजाब में ऐसा नहीं है जिसे प्लॉट मिल गया हो, जिसकी रजिस्ट्री हो गई हो प्लॉट की, एक भी आदमी ऐसा, एक शख्स ऐसा नहीं है। मैं चन्नी साहब को साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि चन्नी साहब, या तो आप इलेक्शन से पहले पहले, 2022 के इलेक्शन से पहले पहले सभी दलित भाईचारे से आने वाले लोगों को 5-5 मरले के प्लॉट दे दो, वरना 2022 में अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में बनेगी, तब केजरीवाल सरकार सारे दलित भाईचारे से आने वाले लोगों को 5-5 मरले के प्लॉट देगी। यह हमारा चैलेंज है, यह हमारी चुनौती है चन्नी साहब को। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से दलित समाज के लिए, दलित भाईचारे के लिए अरविंद केजरीवाल एक बड़े भाई बनके, घर के बड़े बेटे बनके काम करते हैं, आज पूरा समाज केजरीवाल साहब के साथ खड़ा होकर यही नारा बुलंद कर रहा है कि बाबा तेरा सपना अधूरा अरविंद केजरीवाल करेंगे पूरा। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन चन्नी साहब के इस वोट बैंक की राजनीति को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हमारे दो बड़े चैलेंज आज चन्नी साहब को, पहला कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, सहायता राशि आप हर दलित भाईचारे से आने वाले शहीद के परिवार को मुहैया कराइए, और दूसरा 5-5 मरले के प्लॉट केवल कागजों में नहीं, असल में लोगों को देकर उसकी रजिस्ट्री कराइए इलेक्शन से पहले, नहीं तो 2022 में केजरीवाल सरकार बनेगी, हम दलित भाईचारे से आने वाले हर शख्स को 5-5 मरले के प्लॉट देंगे। मैं चीमा साहब से कहूंगा, वो आगे की बात आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राघव चड्ढा जी। बिल्कुल राघव जी ने जी गल कही आ कि पंजाब विच गरीब लोगों के नाते, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के नाते कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, पर लेकिन असलियत दे विच कोई भी स्कीम जिहड़ी आ वो पंजाब के गरीब लोगों तक, पंजाब के अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के कबीलियां तक एक भी स्कीम का लाभ नहीं पहुँच रहा। गल 5-5 मरले प्लाट की हो रही सी, बिल्कुल एक भी पंजाब किसी के भी व्यक्ति के नाते एक भी रजिस्ट्री जी कांग्रेस पार्टी वालों, चन्नी साहब वालों नहीं हुई हुण तक। पंजाब बेशक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पिंडा में जाके पंचायत सैकटरी BDPO रजिस्ट्रेशन हो रही नेगियाँ, पर लेकिन उन्होंने नाते कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही। इस तरह पंजाब स्कॉलरशिप के नाते तुहानू सारयां नू पता गा कि कांग्रेस पार्टी के सबका मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत ने किस तरह बच्चों का
एससी एसटी बच्चों का किस तरह करोड़ों रुपया जो वजीफे का आया सी स्कॉलरशिप का आया सी किस तरह वो खा लिया। और जबकि सीबीआई वालों भी ऑर्डर हो चुके हैं, जबकि वख-वख एजेंसियों वालों भी ऑर्डर हो चुके हैं कि वो सारे के खिलाफ उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ उस मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। पर लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार चन्नी साहब लगातार उन्होंने बचा रहे हैं। और दूजे पासे जय भीम योजना जिहड़ी कि दिल्ली सरकार ने लागू की हुई आ, दिल्ली में कोई भी व्यक्ति चाहे वह जिन्ना मर्जी गरीब आ, चाहे वो बेशक मतलब गरीब बच्चा गा, जेकर वह किसी वड्डी इंस्टीट्यूशन के पढ़ना चाहता गा, IIT की तैयारी करना चाहता गा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जाना चाहता गा, सिविल सेवावां दीआं प्रीख्यावां देना चाहता गा, और सरकार चाहे वो जिहड़ी इंस्टीट्यूशन आ चाहे वह 5 लख रुपये खर्चा गा चाहे 7 लख रुपया खर्चा गा, दिल्ली सरकार उन्होंने मुफ्त दिंदी आ और 2000 रुपया प्रति महीना उन्होंने स्टाइफन मिलता गा तां कि वह बच्चा अपनी जिहड़ी 2 महीने के जिहड़ा उहदा आउण जाण दा खर्चा जां खाण पीण दा खर्चा वह भी मैं समझदा अलग तो मिलता गा। और पंजाब विच पिछले समय यह इंस्टीट्यूशन खुली सी, जे आपां मोहाली वाली गल कर लईए, पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला की गल कर लईए, गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी की गल कर लईए, उत्थे जिहड़ा हैगा बच्चों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने दे लई, सिविल सेवावां का एग्जाम देने दे लई तैयारी करवाई जाती सी माड़ी मोटी। पर लेकिन अज सारे पंजाब दे विच बिल्कुल सारिया संस्थावां टोटल बंद पईआं नेगीआं, ना उत्थे कोई प्रोफेसर हैगा, ना कोई उत्थे टीचर हैगा, सारे होस्टल खाली पए नेगे। और सरकार और पंजाब सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार चन्नी साहब कह रहे हैं कि असीं बच्चों के लिए भलाई का काम कर रहे हैं। सो मेरा कहने का भाव आ जिहड़ी गल चड्डा साहब ने कही है बिल्कुल दुरुस्त आ। पंजाब विच अज गरीब लोगों के नाते, दलित लोगों के नाते, अनुसूचित जातियों के नाते वैसे राजनीति हो रही है, पर लेकिन कोई भी लाभ उन्हां तक नहीं पहुँच रहा। गल की 2500 रुपया पेनशन देने की, अज पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, 40-45 दिनों बाद पंजाब सरकार खत्म हो जूगी, कोड ऑफ कंडक्ट लग जूगा। 2500 रुपया पेनशन अज पंजाब के किसी भी घर तक नहीं पहुँची। 51,000 सघन स्कीम अज पंजाब के किसी घर तक नहीं पहुँची। पंजाब जिहड़ियां माड़ियां मोटियां पंजाब के गरीब लोगों नूं दलित लोगों नूं सहूलतां मिलदियां सी, अज उह सारियां पंजाब विच बंद रहिंगियां। अज पंजाब दे साडे गरीब लोगों के बच्चों तक ना पढ़ाई पहुँच रही आ, ना उन्हां दे हिस्से की दवाई पहुँच रही आ, ना उन्हां दे हिस्से का जिहड़ा बजट दे विच पैसा आउंदा गा ना वह पहुँच रहा गा। सो बिल्कुल चड्डा साहब जिहड़ी गल कही साडा चैलेंज हैगा कि 1 करोड़ रुपया सरकार तुरंत अनाउंस करे। कांग्रेस तो बहुत अगे निकल गई इस मामले जात के मामले, उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाता पिछले जी MLA ताे जितते ही बड़े वधिया दलित भाईचारे तो MLA जितते ही कि तुम मुख्यमंत्री दलित भाईचारे चो बना सकते। देखिए आम आदमी पार्टी काम करने में रिप्रेजेंटेशन देने में विश्वास रखती है, लेकिन उसका ढिंडोरा पीटकर समाज को वोट बैंक के नज़रिए से देखकर सियासत नहीं करती। मैं अगर ये गिनवाने लग जाऊं कि दलित भाईचारे का कितना रिप्रेजेंटेशन आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हमारे पास पंजाब विधानसभा में, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमने दलित भाईचारे से आने वाले लोगों को दिया, लेकिन हम उसका ढिंडोरा नहीं पीटते फिरते पूरे पंजाब में हर पिंड में जाकर ढोल नगाड़े बजाकर। हम सियासत नहीं करते उस पर, हम काम करने पे विश्वास रखते हैं, भलाई करने पे विश्वास रखते हैं। ये फर्क है चन्नी सरकार में और केजरीवाल सरकार में। वो तो आने वाले समय में जब अनाउंस होगा तो आपको पता लगेगा, आपको बताएंगे। मैं सिद्धू साहब को कहना चाहूंगा कि आपके पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जरा एक बार उनसे बात करें कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। हमसे पूछने से पहले जरा एक दिन उनके साथ बैठ जाएं, चन्नी साहब के साथ, और उन्होंने महिलाओं की सम्मान के लिए आज तक क्या क्या काम किए हैं
जो आपको भी पता और मुझे भी पता है, मैं क्या इशारा कर रहा हूं, यह आपको भी पता है मुझे भी पता है। एक बार सिद्धू साहब चन्नी साहब के साथ बैठ के उन्होंने आज तक क्या क्या काम किए हैं, उनसे जाने अनजाने में क्या क्या पाप हुए हैं, उनका जरा हिसाब ले लें पहले सिद्धू साहब, बाद में केजरीवाल साहब से पूछें सवाल। बस बोल दिया मैं जितना बोल सकता था उतना बोल। बहुत जल्द करेंगे, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, एक रणनीति की तरफ एक सोची समझी स्ट्रेटजी लेकर चलती है। ये हर पार्टी का अधिकार होता है कि वो कब कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेगी, कब सीएम फेस जारी करेगी, उसका ऐलान करेगी, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेटजी के तहत चलती हैं। हर पार्टी को अधिकार होता है, हमें भी हक है, हमें अपना हक इस्तेमाल करने है, तो जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। मान साहब हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधान हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और उनकी रहबरी में, उनकी अध्यक्षता में, उनकी प्रधानगी में आम आदमी पार्टी पंजाब सूबे में इलेक्शन लड़ेगी। अभी छोटी छोटी मीटिंग्स आप कर रहे हैं, बड़ी रैलीज वगैरह कब से शुरू कर रहे हैं? देखिए बस अब कुछ ही दिनों में आप देखेंगे बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े इकट्ठ होने लग जाएंगे, यहां तक कि आने वाले, मैं तारीख अभी नहीं ऐलान रहा हूं, केजरीवाल साहब का अगला दौरा और अगली यात्रा जो पंजाब सूबे में होगी वो एक धमाकेदार बड़े कट के साथ होगी, आप देखेंगे। अब आप थोड़ा सा इंतजार करिए, दो तीन दिन में करेंगे। देखिए मैं अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये साफ तौर पे कहना चाहता हूं, पिछली बार सारी पार्टियां मिलकर एक शख्स को हराने के लिए लग गई, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। अकाली दल ने अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया, बीजेपी ने अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया, और यह बात खाली आम आदमी पार्टी ने नहीं कही, बीजेपी के मंत्री ये बात कहते हैं, शिरोमणि अकाली दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नरेश गुजराल साहब ये बात कहते हैं कि इन सारी पार्टियों ने सिर्फ एक आम आदमी पार्टी और 5 फुट 5 इंच के शख्स अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गई। इस बार भी ये डर है हमें और ये सच्चाई है कि ये सारी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी। बीएसपी का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, कैप्टन की पार्टी का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, बीजेपी का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, बादलों की शिरोमणि अकाली दल का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, और चन्नी सरकार तो सभी कुछ, कांग्रेस पार्टी तो आधा पंजाब, 27,000 स्क्वायर किलोमीटर की चाबी बीएसएफ और मोदी साहब के पास छोड़ के आ गई, उस पार्टी का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में। ये सारी पार्टियां मिलकर इस बार फिर आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। पर मैं साफ कर दूं, इस बार पंजाब की जनता ये बात जान चुकी है कि केजरीवाल बनाम ऑल, केजरीवाल वर्सेस ऑल ये चुनाव है, और पंजाब के लोग इस बार केजरीवाल के साथ हैं, इनके साथ नहीं है। पिछली बार भी शायद यही प्रॉब्लम आई थी, जब सीएम के अनाउंस नहीं हुआ थी, इलेक्शन केजरीवाल साहब के नाम से लड़े जा रहे थे। मैं बता दे, देखिए हम अनाउंस करेंगे, ऐलानेंगे, मैं तो बता रहा हूं, पिछली बार 17 के इलेक्शन में हमने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया, उसके कोई पॉलिटिकल कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। इस बार केजरीवाल साहब हमारी पार्टी के प्रधान है, उन्होंने कहा, हम सब लगातार ये बात कह रहे हैं कि 2022 के इलेक्शन से पहले आपको आपका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका चेहरा ऐलान के उसके नाम पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, चिंता न करें। देखिए हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अगर टिकट ना मिले, ओहदा ना मिले, मनचाहा पद ना मिले, तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है, पंजाब के भविष्य की चिंता नहीं है, पंजाब के फ्यूचर की चिंता नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लेना चाहती है जो पंजाब के भविष्य के लिए सोचते हैं, अपने पर्सनल फ्यूचर के लिए नहीं सोचते, जिनकी दिल की धड़कनें पंजाब के लिए धड़कती हैं, अपने लिए नहीं धड़कती।
ऐसे बहुत सारे लोग और पार्टियों में हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप देखिए गुरदासपुर से रमन बहल साहब, उनके फादर साहब कैबिनेट मंत्री रहे, 4 टाइम MLA रहे, वो खुद MLA रहे, इतनी बड़ी शख्सियत रहे, सर्विस बोर्ड के प्रधान थे, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अपनी सर्विस बोर्ड की प्रधानगी को लात मार के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गए, उनके परिवार में शामिल हो गए। तो अच्छे लोग और पार्टियों में जो आते हैं, लेकिन कई लोग दूसरी पार्टियों के MLAs हमें फोन करते हैं, MPs हमें मिलने का वक्त मांगते हैं, हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन हमारे दरवाजे ईमानदार लोगों के लिए खुले हैं जो लोग पंजाब के बारे में सोचते हैं, पर्सनल फ्यूचर के अपने लिए जो आना चाहता है उसके लिए नहीं खुले। कोई बात नहीं, देखिए मैं इंडिविजुअल्स पे कमेंट नहीं करना चाहता, शोभा नहीं देता इंडिविजुअल्स को कमेंट करना, मैं उनको ऑल द बेस्ट कहता हूँ, उनको बेस्ट विशेष देता हूँ। जब पार्टी के प्रधान ने बोल दिया कि हम नहीं लेंगे कचरा, तो फिर कचरा कैसे ले लेंगे? नहीं, पर आप एक तरीके से वो भी तो ये कह रहे हैं ना कि हमारे से कॉन्टेक्ट। देखिए मैंने कहा ना, हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं सोच रहे, सूबे के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों का स्वागत है। लेकिन जो लोग अवसरवादी हैं, ऑपरचुनिस्ट हैं, पद सीट टिकट वजीर बन जाए यहाँ के, उन लोगों के लिए हमारे दरवाजे नहीं खुले हैं। चलो ठीक, नहीं हम तो ले नहीं रहे, कैप्टन साहब तो रोज लोगों को फोन करके कहते हैं मेरी पार्टी में आ जाओ, मेरी पार्टी में आ जाओ, वो बात भी खत्म नहीं करते, लोग अपना फोन उनका फोन काट देते हैं, तो ये उनकी हालत है। मैं कहना चाहता हूं ये सारी पार्टियां एक हैं, ये बाकी सारी पार्टियां मिलकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, इससे सावधान रहिएगा। थैंक यू। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।